ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में नशा और नशे के व्यापारी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन पुलिस नशे के सौदागरों को नशे के खेप के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नशा कारोबारी कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सोलन पुलिस ने मन बना लिया है कि वे नशे के इस काले कारोबार को बंद करके ही दम लेंगे, जिसके चलते उन्होंने सोलन के कोने कोने पर अपने गुप्तचर सक्रिय किए हैं। सोलन में नशा और नशे की व्यापारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन पुलिस नशे के सौदागरों को नशे की खेप के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नशा कारोबारी कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सोलन पुलिस ने मन बना लिया है कि वह नशे के इस काले कारोबार को बंद करके ही दम लेगी, जिसके चलते उन्होंने सोलन के कोने कोने पर अपने गुप्तचर सक्रिय किए हैं। ये गुप्तचर जैसे ही सोलन में कोई नशे का काला कारोबार करने जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे देते हैं। यही कारण है कि नशे के कारोबारी रोज सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। सोलन पुलिस ने चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक प्रभाकर और विशाल नेगी के पास से चरस बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सोलन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन के तहत दो युवकों से 18.60 ग्राम चरस बरामद की गई है। इन युवकों के नाम हैं मिस्टर प्रभाकर और मिस्टर विशाल नेगी। ये दोनों किन्नौर के रहने वाले हैं और इस केस में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इनको शांति के पास से जो है ये चरस इनसे बरामद की गई थी और वहीं पर इनको डिटेन किया गया था। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।